नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइवलीस्ट रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। विक्रमगंज रोहतास स्थानीय थाना क्षेत्र के दारूपुर गांव से बीते रात्रि 3 कुख्यात अपराधियों के गिरफ्तार होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिंदु मांझी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पुलिस कप्तान सत्यवीर सिंह के दिए गए निर्देश के उपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार विक्रमगंज के नेतृत्व में बीते रात्रि छापेमारी करने के लिए टीम गठित कर धारूपुर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान धारूपुर निवासी सुमन देवी के घर से एक बड़े घटना को अंजाम देने के लिए बना रहे रणनीति के दौरान 3 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। बताया जाता है कि पूर्व में अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड तथा चीनी व्यवसायी की हत्या इन्हीं लोगों के द्वारा कर दी गई थी। गिरफ्तार अपराधियों में चीनी व्यवसायी हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुफसिल थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी अनीश कुमार सिंह, पिता रामाशंकर सिंह, डालमियानगर गंगोली निवासी अनिकेत कुमार उर्फ राजा के अलावा राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरड्डी निवासी गौतम कुमार सिंह, पिता सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से एक देसी कटा, 2 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल के अलावा 3 हैंड पर्स बरामद किया गया है और इन अपराधियों के द्वारा और भी कई घटनाओं को अंजाम देने के मामले में अपनी भूमिका बताई गई है। अपराधियों के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि अंतर्राज्यीय गिरोह से भी इन लोगों की साठ गांठ है। रिपोर्ट राजेश कुमार सिंह। गिरफ्तारी सर कहां से हुई है? ये गिरफ्तारी सुमन देवी साकी ने धारूपुर उनके घर से घर के अंदर छुपे हुए थे अपराधी, वहीं से हुई है। वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वहाँ अपराध करने के लिए छुपे हुए हैं उनके घर में, तो उस सूचना पर मैंने पुलिस पदाधिकारी हमारे और पुलिस बल के जवान वहाँ छापेमारी किए। छापेमारी के क्रम में वहाँ 3 अपराधकर्मी अनिकेत सिंह, ये गंगोली थाना डालमिया नगर थाना क्षेत्र के हैं, और दूसरा अनीश कुमार सिंह, ये शाहपुर थाना मुफसिल शाहपुर गांव के मुफसिल थाना क्षेत्र के हैं, ये कुख्यात अपराधकर्मी हैं, और तीसरा है गौतम कुमार, ये लोहराडी थाना राजपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और 6 मोबाइल में मिला है और 3 पर्स इन लोगों का जब्त किया गया है। और इन लोगों के बारे में इन्हें पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये लोग अंतर्राज्यीय गिरोह मैंने बनाए हुए हैं और इन लोगों के साथ कुछ यूपी के अपराधकर्मी भी इस गैंग में काम करते हैं। पूर्व में सर अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या की गई थी, हाँ, क्या उस हत्या में भी ये लोग शामिल हैं? हाँ, पता चला है, इन लोगों से पूछताछ करने में पता चला है और पुलिस को पहले से ही जानकारी थी कि अनीश कुमार वहाँ एक चीनी व्यवसायी की हत्या करके लूट के क्रम में हत्या कर दिया और उनसे रुपया लूट लिया था, उसमें ये फरार चल रहे थे जी। और इनकी गिरफ्तारी मैंने जिला के लिए बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जाएगी। और वहाँ से अपराध करने के बाद ये बम्बे चले गए थे कुछ दिन के लिए, वहाँ जा कर के छुप गए थे और पुनः ही अपना ये गैंग तैयार करके और यहाँ आकर के सुमन देवी के घर में थे, जिनके मैंने छापेमारी क्रम में पकड़ा गया। ये तो रोहतास पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है सर। बिल्कुल, ये रोहतास पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोग बहुत बड़े मैंने अंतर्राज्यीय गिरोह के मैंने ये लोग सदस्य हैं, कुख्यात अपराधकर्मी हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर भी अपराध ये करते हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी रोहतास जिला पुलिस के लिए। क्या शुभ नाम हुआ सर? बुंदी मांझी, पुलिस उपाधीक्षक के मुख्यालय हैं, अभी हम विक्रमगंज एसटीपीओ के प्रभार में हैं।